क्लास टेंथ एनसीईआरटी चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 14। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, ए फेस कार्ड, ए रेड फेस कार्ड, ए जैक, द जैक ऑफ हर्ट्स, ए स्पेड, द किंग ऑफ डायमंड। ठीक है, तो ये सारों की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखो, ये वेल शफल डेक ऑफ कार्ड की बात कर रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 52 होंगे। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 52। ठीक है, नाउ एज वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ये चीज होती है। तो फर्स्ट पार्ट देख, इसमें बोला है इसने किंग ऑफ रेड कलर। अगर आपसे पूछूं नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर इन डेक ऑफ 52 कार्ड, तो पहली बात तो रेड कलर का किंग कितने होंगे, दो ही होंगे, या तो किंग हार्ट का होगा या किंग डायमंड का होगा, तो 2। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 52। तो अगर मैं आपसे प्रोबेबिलिटी पूछूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर क्या आएगा, नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो ये कितना आ रहा है मेरे पास, 2/52, दैट इज 1/26। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ फेस कार्ड्स, कितने फेस कार्ड्स हैं टोटल 52 डेक ऑफ कार्ड्स में, 12 फेस कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड्स, तो ये क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ फेस कार्ड्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, ट्वेल्व बाय 52 ये होगा। तो अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास एक किसके इक्वल आ जाएगा, 3/13 के इक्वल। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, मेरे को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड फेस कार्ड। तो अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड, तो वो कितने आएंगे मेरे पास, 6 आएंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड क्या बनेगी, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड, तो ये क्या बनेगा, 6/52। सो दैट इज 6/52 बना। तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 3/26 के इक्वल। ठीक है, अब सेम वे में फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड। इफ आई आस्क यू नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स कितने होंगे, 13। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पेड कार्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, तो ये कितना बन जाएगा, 13/52, सो दैट इज 1/4। ठीक है, अब सेम वे में फिफ्थ पार्ट था, दिस इज फिफ्थ पार्ट।
ओके सो सेम वे में फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या था हमारे पास? द जैक ऑफ हार्ट्स। द जैक ऑफ हार्ट्स, अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ द जैक ऑफ हार्ट्स, कितने जैक ऑफ हार्ट्स होंगे? एक ही होता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक ऑफ हार्ट्स क्या आएगा? 1/52। ठीक है, नाउ देखो फिफ्थ पार्ट इधर आ गया, थर्ड तक यहाँ हो गया, फिफ्थ ही हो गया, फोर्थ ही हो गया, नाउ सिक्स। ठीक है, सिक्स पार्ट में क्या था? द क्वीन ऑफ डायमंड्स। सो इफ आई आस्क यू नंबर ऑफ द क्वीन ऑफ डायमंड्स कितनी है? एक ही क्वीन है डायमंड्स की। ठीक है, सो इफ आई आस्क यू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ डायमंड्स तो वो कितना आएगा? 1/52। 1/52, ठीक है।